एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। Could you understand any words said in that classroom? Those were scenes regularly witnessed at Adarsh Middle School in Bihar's Katihar. One blackboard, 2 teachers, 2 languages, and a lot of confusion. While one teacher teaches Hindi using one half of the blackboard, another teacher simultaneously teaches Urdu. All this while yet another instructor banged her stick on a table. One of the teachers claimed that there are not enough classrooms in the school. To make matters worse, an Urdu primary school was relocated to the premises by the education department in 2017, according to the staff. इसमें 2017 को शिफ्ट किया गया था उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक कक्षा किसी तरह से, क्योंकि हमारे विद्यालय में खुद ही कक्षाओं की कमी है, लेकिन उस विद्यालय को दिया गया है क्योंकि आदेश था, इसलिए उनको एक कमरा दिया गया है जिसमें एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको पढ़ने में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बच्चों की अनुपस्थिति भी अधिक हो जाती है, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे जितना होना चाहिए वो बैठने में उनको बहुत तकलीफ होती है। देखना होगा, वहाँ जाँच करवाते हैं, देखना होगा कि क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हो सके मध्य विद्यालय में यदि नामांकन कम होगा तो उसे एक कमरा और लेके हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय को देंगे।